एवरीबॉडी और सभी ऑल इंडिया के अपना ऑलमोस्ट नॉर्थ एंड ईस्ट के उड़ीसा कोलकाता नॉर्थ ईस्ट नेपाल पंजाब हरियाणा हिमाचल जो नॉर्थ के नॉर्थ 1-2-3 जोन है सभी के भाइयों और फार्मर भाइयों का मैं अभिनंदन करता हूँ वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए। ये वेबिनार जो ले रहे हैं वो डॉक्टर रेला है हमारे डीजीएम टेक्निकल, वो नॉर्थ के ब्रीडर ब्रॉयलर ब्रीडर के टेक्निकल हेड है। वो पिछले 30 सालों में पोल्ट्री इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उनका काम करने का जो तरीका वो बिल्कुल अलग है, वो छोटी छोटी बातों और प्रैक्टिकल बातों में ज्यादा विश्वास रखते हैं। उनका मेन मोटो यही है फार्मर भाई पोल्ट्री का सही सही ज्ञान लें और उसमें अपनी पोल्ट्री फार्मिंग को समझें, ठीक से काम करें और अपने परिवार और देश को मजबूत करें और अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं। उससे पहले भी वो अपने 5 वेबिनार दे चुके हैं सेमिनार, जिनमें उनका फील्ड एक्सपीरियंस विद डायग्नोसिस एंड प्रिवेंशन ऑफ ब्रोंकाइटिस इंग्लिश और हिंदी में है। फिर उन्होंने फैशन ब्रीडर मैनेजमेंट पे दिया है उन्होंने लेक्चर, ब्रॉयलर ब्रीडर न्यूट्रिशन पे उन्होंने 5वां लेक्चर दिया और आज का 6ठा लेक्चर जो वेबिनार है उनका वो फार्मर भाइयों की जो रिक्वेस्ट पे ब्रॉयलर को कैसे पालें और बीमारियों से कैसे बचें के ऊपर है। तो डॉक्टर रेला से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना ये पर्सनल एक्सपीरियंस वो ब्रॉयलर भाइयों के साथ शेयर करें। डॉक्टर रेला साहब, रिस्पेक्टेड माई सीनियर्स, माई कोलिग्स, स्टाफ मेंबर्स और मेरे प्यारे फार्मर भाइयों, आज का टॉपिक है ब्रायलर मैनेजमेंट और बीमारियों से कैसे बचाव करें। ब्रायलर इंडस्ट्री का रीढ़ की हड्डी है, लेकिन हमारे ब्रायलर भाई, ब्रायलर फार्म करने वाले भाई सबसे ज्यादा इग्नोरेंट है। तो आज का जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो ब्रायलर फार्मिंग को ठीक से समझें, ठीक ठीक से समझें और जितनी फालतू की वेस्टेज है उससे दूर रहें। अगर उनको बात समझ में आ जाती है तो वो सुखी और बहुत अच्छे से ब्रायलर पाल सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल एश्योरेंस देता हूं, अगर आप इस लेक्चर को सुनोगे तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो ब्रायलर के बारे में है वो सारी आपकी सॉल्व हो जाएगी। मैं अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो हमारा ब्रायलर बेंको 430 ब्रायलर है, सर स्क्रीन है, ये बहुत एफिशिएंट है, फीड एफिशिएंट बर्ड है। 25-26 दिन के अंदर, 25-26 दिन में ये तंदूरी पहुंच जाता है 25-26 दिन पे, और एफसीआर क्या रहता है 1.28 के करीब। तो सबसे पहले हमें अपने स्टैंडर्ड का पता होना चाहिए कि हमारे बर्ड के स्टैंडर्ड क्या है। अगर हमें स्टैंडर्ड पता है तभी हम कंपेरिजन कर सकते हैं। तो ये मेरा पहला टेबल है, आप इसको अच्छे से समझें। तो जैसे इसका बॉडी वेट है 2 किलो के करीब और इसमें एफसीआर आ रही है 1.45 और जो मोर्टेलिटी है टोटल मोर्टेलिटी वो 2.75। तो ये जो ब्रायलर है ये आपके लिए इतना बढ़िया तैयार किया गया है कि इसका कोई भी मैच नहीं है, कोई भी इसके पैरेलल नहीं है। अब जो ब्रायलर की परफॉर्मेंस है हम कैसे मापते हैं, पहले देखते हैं एफसीआर, कितनी इसने फीड खाई और कितना इसने वजन लिया। उसके बाद देखते हैं कि इसकी लाइवेबिलिटी कैसे है, कितने बर्ड हमने सेल किए और कितने हमने शुरू में हाउस किए थे, और उसी तरह से एवरेज बॉडी वेट इसका कैसे, और उसके बाद है यूरोपियन एफिशिएंसी फैक्टर। अब इसके अंदर आप नीचे देखिए, इसके अंदर है मीन एज। मीन एज क्या है, जैसे हम बर्ड को निकालना मान लो 32 दिन पे शुरू करते हैं, तो 32 दिन निकला, 33 दिन निकला, 34 दिन निकला, 35 दिन, तो हम ये देख लें कि उसकी मीन एज क्या है। जितना मीन एज कम होगा और जितना एफसीआर कम होगा उतना आपका यूरोपियन एफिशिएंसी फैक्टर अच्छा रहेगा। अब हैप्पी और प्रॉफिटेबल ब्रायलर फार्मिंग के लिए बातें क्या है? तो सबसे पहले क्या है कि हम अगर ब्रायलर को ठीक से पालेंगे,
हमारा हम सुखी रहेंगे और उससे दो पैसे कमाएंगे। सबसे पहले हमें बात को समझना है कि जो बर्ड्स हैं, ब्रायलर्स हैं, उसको हम माइक्रो एनवायरनमेंट, उसके चारों तरफ के एनवायरनमेंट हम उसको कैसे दे रहे हैं। अगर वो माइक्रो एनवायरनमेंट, जैसे उसका टेम्परेचर कैसा है, उसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैसी है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कैसी है शेड के अंदर, उसके अंदर लाइट मैनेजमेंट कैसा है, उसके अंदर स्पेस कैसा है, और उसका फीड बैलेंस है या कैसा है, पानी के बर्तन पूरे हैं कि नहीं, पानी उसको पूरा मिल रहा है कि नहीं, और चिक्स की क्वालिटी, इन सब बातों के ऊपर अगर हम पूरा ध्यान देंगे तो हम इसको बहुत अच्छे से पाल सकते हैं। अब ब्रायलर के लिए थर्मो न्यूट्रल जोन होता है जो उसके लिए सबसे बढ़िया है, और ब्रायलर्स अपना बॉडी का टेम्परेचर, जैसे छिपकली होती है, छिपकली ऐसा है या स्नेक्स होते हैं, तो वो पाइकिलो थर्मस कहलाते हैं, वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर एनवायरमेंट के हिसाब से मेंटेन नहीं कर सकते, लेकिन ह्यूमन बींग्स हैं, बर्ड्स हैं, ये अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, और किस रेंज में कर सकते हैं, उसको इनका थर्मो न्यूट्रल जोन बोलते हैं। ये 55 डिग्री फारेनहाइट से 75 डिग्री फारेनहाइट या 12.8 डिग्री सेंटीग्रेड से 23.9 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए होता है, और बर्ड का जो बॉडी टेम्परेचर है वो 105 डिग्री फारेनहाइट या 40.6 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, हमें डेली बेसिस पे मॉनिटरिंग करनी चाहिए ब्रायलर फार्मिंग में। हमें देखना चाहिए कि ब्रायलर कितना पानी पी रहा है, आज उसने कितना फीड खाया है, लीटर का कंडीशन कैसा है, बीट कैसी आ रही है। हम शेड के अंदर जाएंगे तो हमें पता लग जाता है कि कितनी लूज ड्रॉपिंग्स है। आप एक बार ध्यान से देखें, आप एक बार देखें कि आपका ध्यान गया, आपने एक छोटा सा एरिया देखा और उसमें बीट डली देखी कि बीट कितनी डली हुई है, बीट से ये देखा कि इसमें लूज कितनी है। अगर 5% भी आपकी लूज ड्रॉपिंग्स है तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि बर्ड्स में कोई ना कोई एंट्रिक इन्फेक्शन है या वहां स्ट्रेस ज्यादा है, और इसी तरह से हमें स्पेस पे पूरा ध्यान देना है, उसके पानी के बर्तन पूरे चाहिए, फीड के बर्तन पूरे चाहिए, और एक सबसे बड़ी बात है फीड वेस्टेज। लोग क्या करते हैं, मैं अपने फार्मर भाइयों को देखता हूँ, फीडर्स को पूरा का पूरा भर देते हैं, तो अगले एक टेबल है उसमें मैं दिखाऊंगा फीड वेस्टेज से कितना कितना क्या इफेक्ट पड़ रहा है। इसी तरह से तो सबसे बड़ी बात और फ्री की बात है, वो है एयर सर्कुलेशन। जितना भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है उसका बेसिक रीजन ये है कि आपके शेड में हवा का सर्कुलेशन बहुत कम होता है। सर्दियों में तो लोग बिल्कुल उसको टाइट करके बंद करके रखते हैं और जिसकी वजह से उसमें ऑक्सीजन नहीं मिलती। अब आप एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए, 10,000 चिक्स हैं, 10,000 चिक्स को ऑक्सीजन चाहिए, 10,000 चिक्स में क्या है, 20,000 लंग्स काम कर रहे हैं, तो 20,000 लंग्स को क्या प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रहा है, और ऑक्सीजन का लेवल होता है 20.4% के करीब। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए आपके शेड के अंदर एयर सर्कुलेशन प्रॉपर है क्या। अगर एयर सर्कुलेशन नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा, अमोनिया का लेवल बढ़ेगा, और ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, और ऑक्सीजन का लेवल कम होने से जो सांस की नली है उसके अंदर जो सीलिया होते हैं, छोटे छोटे हेयर होते हैं, हेयर टाइल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उनको सीलिया बोलते हैं, वो सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं, और उनके नष्ट होने से डायरेक्ट इन्फेक्शन आपका बाहर से सीधा लंग्स की तरफ जाता है, और आपके सांस की प्रॉब्लम्स की क्रिया जैसे स्टार्ट हो जाती है। तो सीआरडी का जो बेसिक रीजन है वो ये है, अगर आप एयर सर्कुलेशन पे ध्यान देंगे तो आपके ये प्रॉब्लम कम से कम रहेगी। उसी तरह से आपको एम्बिएंट टेम्परेचर, शेड के अंदर टेम्परेचर कैसा है, आपको देखना है कि आपके बर्ड में प्रॉपर टेम्परेचर मिल रहा है या नहीं। इसी तरह से रिलेटिव ह्यूमिडिटी, अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी शेड के अंदर कम है तो बर्ड्स को डिहाइड्रेशन होगा, और अगर वो ज्यादा है तो बर्ड गिल्ला गिल्ला सा नजर आएगा, तो दोनों सिचुएशन ठीक नहीं है। हमें चाहिए कि जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो 65 के अराउंड हो तो वो सबसे अच्छी है। अब इसके बाद और हम मॉनिटरिंग क्या कर रहे हैं कि डेली बेसिस पे हम ये देखना है आज कितना फीड खाया, और ये देखना है कि फीड वेस्ट तो नहीं हो रही। तो फीड वेस्ट को क्या करेंगे, हम ये देखेंगे जो फीडर के आसपास है वो कितना फीड डला हुआ है। इसी तरह से हम ये देखेंगे बॉडी वेट, जैसे मान लो फर्स्ट वीक है, सेकंड वीक है, थर्ड वीक, हम ये देखेंगे स्टैंडर्ड बॉडी वेट क्या है और
बर्ड ने वेट कितना लिया है और उसने पिछले सप्ताह से स्टैंडर्ड के बजाय अब कितना गेन किया है। इसी तरह से हम देखेंगे सारा बर्ड हमारा यूनिफॉर्म है या छोटा बड़ा हो रहा है, तो छोटा बड़ा हो रहा है तो उसके कारण ढूंढने हैं। और जब भी आपको छोटा बड़ा नजर आता है तो इमीडिएटली छोटे छोटे बर्ड को आप निकाले और एक साइड कीजिए और उसको पूरी अच्छे से जगह दीजिए, उसको साफ सुथरा एनवायरमेंट दीजिए, उसका बरादा भी ठीक हो और उसको थोड़ा टोनिक ज्यादा दीजिए। इसी तरह से अंडर वेट बर्ड्स हैं, डल बर्ड्स हैं, डिप्रेस बर्ड्स हैं, कमजोर बर्ड्स हैं, लंगड़े बर्ड्स हैं, तो लोग क्या करते हैं कि डब्बे के अंदर रख देते हैं, किसी एक साइड में कोना बना देते हैं, 20 30 50 बर्ड वहां डाल दिए और जब तक वो मरते नहीं तब तक वो वहीं पड़े रहते हैं। तो हमें इस चीज पे ध्यान देना चाहिए कि ये जो कमजोर बर्ड है यही बीमारियों का सबसे बड़ा कारण है। तो हमें ये चाहिए कि हमें उनकी मरने के इंतजार ना करके सीधा एक पॉलीथिन लीजिए और उसके अंदर जो भी ऐसे बर्ड आपको मिलते हैं डेली बेसिस पे उनको डिस्ट्रॉय कीजिए और शेड से बाहर रखिए। इसी तरह आपको ड्रॉपिंग्स के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अगर आपके बर्ड्स में ड्रॉपिंग लूज ड्रॉपिंग्स हैं तो आपको बिल्कुल सावधान हो जाना है। अगर लूज ड्रॉपिंग्स है तो उसको खाया पिया कम लगेगा। ब्रॉयलर के लिए क्या लिविंग सिस्टम में जो पोल्ट्री है उसके लिए दो सिस्टम सबसे जरूरी है, एक है रेस्पिरेटरी। सर आप लोग से सब लोग से रिक्वेस्ट है प्लीज भाई लोग अपना स्क्रीन शेयर ना करें, प्रेजेंट नाउ जो बटन है आपके मोबाइल पे उसको प्रेस ना करें, ज्वाइन नाउ पे रहें, अदरवाइज क्या होगा कि प्रेजेंटेशन डिस्टर्ब होगा हमेशा, आपका स्क्रीन मोबाइल का स्क्रीन रिफ्लेक्ट होगा और सब लोग आपके मोबाइल के स्क्रीन को देखेंगे। एक आपसे निवेदन है प्लीज जरा इसको ध्यान रखें, अदरवाइज क्या होगा कि प्रेजेंटेशन डिस्टर्ब होगा, फ्लो डिस्टर्ब होगा। ठीक है सर, प्लीज डॉक्टर साहब कंटिन्यू कीजिए। चलो अभी हमें ये देखना है जो लेयर है ब्रायलर है या ब्रीडर है कुछ भी है उसके हमें दो सिस्टम पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। पहला सिस्टम है उसका क्या है, सांस की नली। अगर सांस की नली साफ है तो आप ये सोचो आपको कोई भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम नहीं है। सांस की नली साफ होने के लिए जो हम कर सकते हैं वो सबसे पहला काम है हम शेड में ऑक्सीजन के लेवल अच्छे से मेंटेन करें। और ऑक्सीजन के लेवल कब मेंटेन होंगे, जब उसके अंदर एयर सर्कुलेशन होगा। और एयर सर्कुलेशन कब होगा, ब्रूडिंग के समय एग्जॉस्ट फैन जरूर लगाएं, आने वाला टाइम सर्दियों का शुरू होना है तो उस समय एग्जॉस्ट फैन रखें, जैसे आपके किचन में होते हैं आप ऐसे दो एग्जॉस्ट फैन रखें, एक तो उससे धुआं चला जाएगा बाहर और दूसरा क्या है जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है अमोनिया है वो बाहर चली जाएगी और दूसरा फ्रेश एयर वो बाहर से अंदर की तरफ आएगी। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। तो आपको सर्दियों में एग्जॉस्ट फैन जरूर जरूर लगाएं ब्रूडिंग में और आप ये देखेंगे कि आपकी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम बहुत कम होगी। उसके बाद जो सेकंड प्रॉब्लम है वो रहती है एंट्राइटिस की। एंट्राइटिस के कारण क्या होता है, लूज ड्रॉपिंग्स आती है। और इवन कई बार एंट्राइटिस ना भी हो तो भी क्या है, अगर बर्ड्स उनकी स्टॉक डेंसिटी ज्यादा है, थोड़े एरिया में ज्यादा बर्ड है, तब भी इस तरह की सिचुएशन आ जाती है। या कोई सीजन जैसे जुलाई और अगस्त का है उसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, तो जब भी रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स है आंतों के वो बढ़ जाएंगे और उसके कारण भी लूज ड्रॉपिंग्स आएगी। तो आपको लूज ड्रॉपिंग्स का कारण को जानना है और उसके ऊपर काम करना और बात को समझना है। फिर भी अगर लूज ड्रॉपिंग्स में अगर आप चाहें तो लूज ड्रॉपिंग्स को लेके उसको उठा के माइक्रोस्कोप के नीचे चेक करवा के देखें, अगर ऊसिस्ट है तो आपको ये चाहिए कि आप कोक्सीडियोसिस का प्रिवेंशन प्रोग्राम उसका जरूर जरूर दें। उसके बाद आपको फीड की क्वालिटी के ऊपर ध्यान देना है, फीड के साइज के ऊपर ध्यान देना है कि भाई उसकी फीड की क्वालिटी ठीक है क्या। जैसे हमने स्टार्टिंग में उसके बाद में बताऊंगा कि हमारे को एनर्जी कितनी चाहिए, प्रोटीन कितना चाहिए, कैल्शियम कितना चाहिए, फास्फोरस कितना चाहिए, अगर ये सारी चीजें उसको बैलेंस्ड है तो हमारा फीड अच्छा है। फिर उसका फीड का क्या है, हार्डनेस कैसी है, हमें इन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना है। और अगर आप डेली बेसिस पे शेड में जाएंगे थोड़ी देर चेयर डाल के बैठेंगे तो आपको ये सारी चीजें धीरे धीरे समझ आनी स्टार्ट हो जाएगी। अब ये देखिए आप फीड वेस्टेज ब्रायलर फार्म में बहुत होती है। तो एक ये स्टडी है कि अगर मान लो कोई बर्ड है 7 वीक का, तो अगर फीडर्स को 2/3 भर के रखें, और मैं कहता हूं कि ब्रायलर फार्म्स में 99% लोग पूरा भर के रखते हैं, 2/3 भी नहीं भरते, तो आप देखो उसकी वेस्टेज 15% के करीब तो जरूर होगी। अगर 2/3
करते हैं तो 10% फीड वेस्टेज होती है, आधा भर के रखते हैं तो 3%, और 1/3 भर के रखते हैं तो 1%। और इसमें यह देखा गया 114 ग्राम से 227 ग्राम पर बर्ड के हिसाब से 7 वीक में फीड वेस्टेज होती है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो इसमें थोड़ा सा आपको सिर्फ लेबर को बात समझाना है कि भैया तुम इसको आधा ही भर के रखो, आधे से ज्यादा मत करो, ठीक है। तो इससे आपको दो पैसे बचने की पक्का वो रहेगा वैसे, ठीक है। उसके बाद लीटर मैनेजमेंट। अब लीटर मैनेजमेंट में क्या है कि अपने पास बुरादा यूज करते हैं या बाड़ू रेत यूज करते हैं, जो एरिया राजस्थान के आसपास है वहां बाड़ू रेत यूज करते हैं या बुरादा यूज करते हैं, चावल का छिलका यूज करते हैं। तो आपको एक बात ध्यान रखना चाहिए, आप कुछ भी यूज करें लेकिन वो जो मेटेरियल है नीचे का मेटेरियल वो सूखा होना चाहिए। और अगर शेड में अमोनिया के फ्यूम्स हैं, अमोनिया आपको महसूस होती है, अमोनिया गैस भारी होती है, तो आप जैसे बैठ के देखोगे, बर्ड लेवल पे देखोगे, या जैसे आपने अपने हाथों से थोड़ा हर लीटर रिमूव किया, तो आपको पता लग जाएगा कि इसमें अमोनिया काफी है। तो वो जो फ्यूम्स हैं वो आपकी आंखों को लगेंगे, बस इतनी स्टडी। अगर आपकी आंखों को लगे, थोड़ा सा आंखों में पानी आए, तो आप सोचो आपके अमोनिया के लेवल ज्यादा है। और उस समय आप क्या कर सकते हो, फॉस्फोरिक एसिड है उसका आप स्प्रे मार सकते हैं 1.9 लीटर, और ये 10.5 स्क्वायर फीट एरिया के हिसाब से। और इसी तरह से सुपर फॉस्फेट, तो जैसे हम डीएपी यूज करते हैं इसी तरह से सुपर फॉस्फेट होता है, और उसका रेट डीएपी से 30% ऐसा कम होता है। तो उसको भी हम 1 किलो 10.5 स्क्वायर फीट एरिया के अंदर मिक्स कर सकते हैं लीटर में। जब भी अमोनिया 50 ppm से ज्यादा होगी, तो एक ये स्टडी है 7 वीक पे जो उसका वजन होना चाहिए था उससे 8% कम हो जाएगा, उसका 8% वेट उससे कम मिलेगा अगर अमोनिया का लेवल 50 ppm से ज्यादा है। तो जब 50 ppm है कंटिन्यूस उसका एक्सपोजर है, तो आपको ये अमोनिया के ऊपर बहुत ध्यान रखना। और इसके लिए ये क्या जरूरी है, इसके लिए जरूरी है कि एयर सर्कुलेशन हो। एयर सर्कुलेशन के लिए एग्जॉस्ट फैन का होना जरूरी है। मेरे फार्मर भाइयों को ध्यान देने की जरूरत है, मेरे फार्मर भाइयों को इस बात को जानने की बहुत जरूरत है कि आप सर्दियों में भी एग्जॉस्ट फैन का जरूर जरूर यूज करें। एग्जॉस्ट फैन चाहे आप किचन में लगते हैं ऐसे लगा के रखें 2-3-4, उससे से आपका बहुत फायदा होगा। उससे क्या है, गंदी हवा बाहर चली जाएगी और फ्रेश एयर आएगी, फ्रेश एयर होगी तो ऑक्सीजन के लेवल ज्यादा होंगे। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो आपको मैनेजमेंट की, ये सोचो 90% जो आपकी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद है लाइट मैनेजमेंट। ब्रायलर में बहुत ज्यादा लाइट का रोल नहीं होता, लेकिन आप इस बात को समझो, बर्ड्स हैं आपस में काटना शुरू हो जाते हैं। तो जब बर्ड्स काटते हैं तो उसके दो बेसिक रीजन है, या तो उसके अंदर क्या है लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है, या उसमें सोडियम के लेवल कम है। तो लाइट की इंटेंसिटी हमें क्या चाहिए, सबसे पहले यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट हो, एक जैसा, कहीं भी ब्लैक स्पॉट ना हो। दूसरी बात क्या है, 1 से 5 दिन 35-40 लक्स के आसपास हो, और उसके बाद 10 लक्स भी बहुत है, ठीक है। और एक और खास बात है, अगर उसको प्रॉपर लाइट नहीं मिल रही तो वो फीड भी कम खाएगा और पानी भी कम लेगा, और उसी से क्या होगा उसका वेट भी कम आएगा। तो इस पे ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम्स होती है जब कैनिबलिज्म की, जब लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होती है। तो जब भी ऐसी प्रॉब्लम्स होते हैं तो आपको कैसे करना है, थोड़े से ये गर्मियों में होती है, थोड़े से आप पर्दे हैं इस तरह से डाल लें, या कोई जैसे जो पौधों के ऊपर जाली लगाते हैं ना हरे रंग की, तो वैसे ब्लैक रंग की भी आती है जिसके अंदर हवा भी पास होती है, वैसे यूज कर सकते हैं। और उस पीरियड के अंदर जैसे कहीं मान लो हरा चारा है तो थोड़ा थोड़ा हरा चारा भी बर्ड्स को डाल सकते हैं। और मैं ये देखता हूं जब कभी भी ये प्रॉब्लम शुरू होती है तो आप देखते हो आधे घंटे में भी इतने सारे बर्ड्स, आप देखते हो इतने सारे बर्ड्स के ऊपर खून मिलता है जिसकी कोई हद नहीं, एक दूसरे को काटना शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत गंदी आदत है, और इसका बेसिक रीजन है लाइट का ज्यादा होना और सोडियम लेवल सर जी। क्वेश्चन कैसे पूछा बीच में, अब शांति रहो सारे काम करेंगे, भी पूछना अभी पूछ लो, बाद में पूछना बाद में, आपकी मर्जी है। आप पूछना चाहते हैं तो पूछिए। सर
सर सेशन के बाद ठीक रहेगा सर, क्योंकि बहुत सारे सेशन के बाद पूछिए। हाँ थोड़ा आधा घंटे के बाद करेंगे सर, एक बार पूरा जो क्वेश्चन आंसर करेंगे उस समय करेंगे सर, प्लीज सर। तो ये कैनिबलिज्म की जो प्रॉब्लम्स है, जब बर्ड एक दूसरे को काटना शुरू करते हैं, तो मैंने ये देखा है कि आधे घंटे के अंदर भी बहुत सारे स्पीड से बढ़ता है ये एक दूसरे को काटने का काम। तो इसके लिए ये जरूर है, एक तो कोई हरा चारा जहां भी पड़ा हो ना खेत के आसपास, उसी में से कुछ डाल के वो डाल दो। दूसरा उसका जो कर्टन है, लाइट की इंटेंसिटी कम करने के लिए कुछ भी मिल रहा है, कोई भी पर्दा है वो लगा लो। और सबसे अच्छा इसमें काले रंग के जो पर्दे आते हैं, कौन से पर्दे, जो पौधों के ऊपर लगाए जाते हैं, वो नेट, उसको आप यूज कर सकते हो। उसके बाद ये वेंटिलेशन रिक्वायरमेंट्स इन विंटर, देखो ये सबसे जरूरी चीज है। पहले दो सप्ताह में 50 डिग्री फारेनहाइट पे, 60 डिग्री फारेनहाइट पे, 70 डिग्री फारेनहाइट पे, 80 डिग्री फारेनहाइट पे, उसको कितना क्यूबिक फिट पर मिनट पर बर्ड चाहिए। देखो क्यूबिक फिट, क्यूबिक क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, क्यूबिक फिट पर मिनट, एक मिनट में पर बर्ड उसको हवा का सर्कुलेशन कितना चाहिए, ठीक है। और ये सारी टेबल है। दूसरी बात है, इसको नापने के लिए हमारे पास क्या है, एक मीटर होता है जिसको बोलते हैं एनीमोमीटर। क्या बोलते हैं इसको, एनीमोमीटर। और ये अमेज़न पे सिर्फ 1200 रुपए के करीब आता है। तो अगर हम सर्दियों में इसको पहले ब्रूडिंग से पहले मंगा के रखें और अपने शेडो में ये देखो कि एयर सर्कुलेशन कैसी है, तो अगर वो एयर सर्कुलेशन जो मैंने टेबल दी है उससे मैच नहीं करती, तो आप ये देखोगे आपको चाहिए कि हम उसके अंदर एग्जॉस्ट फैन लगाएं, या एग्जॉस्ट फैन मान लो एक लगाया तो दो लगाएं, दो है तो तीन लगाएं। तो इस तरह से करके आप अपने शेड में ऑक्सीजन लेवल मेंटेन कर सकते हो। और उसके बाद क्या है, अगर मान लो जगह जैसे है कम और बर्ड हमने डाल दिए ज्यादा, तो उस समय क्या क्या काम होगा, ये कब होता है भाई, कई बार सप्लाई ज्यादा आ गई, कई बार क्या है लालच आ गया, कई बार ये सोचते हैं मार्केट तेजी पकड़नी है, ठीक है। तो हम इस तरह से, लेकिन उसके इफेक्ट देखो, उसके क्या क्या नुकसान है। अगर मान लो ब्रायलर ज्यादा डले है और जगह उसको कम मिल रही है, तो सबसे पहली बात है वो फीड कम खाएगा, उसकी ग्रोथ कम होगी, उसकी FCR कम रहेगी, उसमें मोर्टेलिटी ज्यादा रहेगी, और उसके अंदर काटने की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। और उसके साथ जो छाती पे छोटे छोटे ब्लिस्टर्स हैं वो डेवलप हो सकते हैं। और उसके बाद क्या है, जो उसके फेदरिंग्स हैं, जो उसके पंख हैं, वो बहुत अच्छे नहीं आते। और इन सब के लिए जब भी ऐसी सिचुएशन भी हो जाए, मान लो कोई मजबूरी में ऐसा काम हो जाता है, तो आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है वो हवा की सर्कुलेशन के ऊपर ध्यान दे, सिर्फ हवा की सर्कुलेशन। इसके ऊपर जो ब्रायलर भाई है, मैं देख रहा हूँ वो इस पे बहुत कम ध्यान देते हैं, खासकर सर्दियों में इस पे कोई ध्यान नहीं देता, और ये सबसे जरूरी चीज है। तो आप इस बात को बार बार समझे और माइंड में बिठाएं कि हमें सर्दियों में अपने फार्म पे एग्जॉस्ट फैन, अगर बड़े फैन है वो नहीं चलेंगे, छोटे फैन लगाने की जरूरत है। इससे धुआं भी बाहर निकल जाएगा और अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर चली जाएगी। बात क्या है, ये मैंने वैसे बता दिया कि जो भी बर्ड्स हैं, देखो जब भी अपने पास सप्लाई आती है, जो भी बर्ड्स आपको ये लगते हैं कि सोचते हैं ढीले लग रहे हैं, लंगड़े लग रहे हैं, या जिसका पेट बाहर की तरफ निकला हुआ है, या जिसके गोड्डे सूजे हुए हैं, ठीक है, तो आप इनको डिस्ट्रॉय कर दें, आप इनको बॉक्सेस में या एक कोना बना के ना रखें और ना उसको दवाई देने की कोशिश करें। और एक और खास बात क्या है, तो ये मोर्टेलिटी होती है कि इन्हीं को उठा के लैब में चले जाते हैं और उनको दिखाते हैं कि भाई ये मोर्टेलिटी हुई है। अरे ऐसे बर्ड दिखाने लायक नहीं होते, इनको देख के आपको कुछ भी दवाई लिखी जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी बर्ड आपको ऐसे लगते हैं जो ठीक नहीं है, डल है, स्ट्रेस्ड है, जिसका पेट भारी है, और जो आपको लगता है कि जिसके गोड्डे भी सूजे हुए, लाल है, टांगे पतली लगती है, चलने में दिक्कत है, लंगड़े हैं, तो ऐसे बर्ड्स को आप पहले दिन ही डिस्ट्रॉय कर दें। ये 4-5 दिन अगर आप डिस्ट्रॉय करेंगे, कभी 10 कभी 20, तो ये बिल्कुल आपके लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। और इसको शेड के अंदर बिल्कुल भी ना रखें, अगर आप रखोगे तो वो क्या है, बीमारियों को पकड़ेगा, वो बीमारियां फैलाएगा। उसके बाद एक चीज और है, ब्रूडर निमोनिया। देखो जी, ब्रूडर निमोनिया को आप समझो, जैसे शेड खाली होता है, मान लो 3-4 महीने के बाद आपने खाली शेड है, खाली शेड है और उसके बाद आप चूजे डालते हो, एक तो ये कंडीशन,
दूसरी क्या है, सर्दियों में बुरादे का रेट बहुत तेज हो जाता है। क्या करते हैं, जहां से भी आप बुरादा लेके आते हैं उससे भी वो पानी मार के रखते हैं। बुरादा वेट के हिसाब से मिलता है, और जब बुरादे में पानी लगता है तो उसके अंदर एक फंगस होता है एस्परजिलोसिस। वो जो एस्परजिलोसिस, जो फंगस है एस्परजिलोसिस, वो उसके अंदर डेवलप हो जाता है। और उसमें क्या होता है, वो छोटे छोटे स्पोर्स छोड़ता रहता है, और वो स्पोर्स क्या है, हवा में उड़ते रहते हैं। एक तो ये खाली शेड में मिलते हैं, और दूसरे ये बुरादे के कारण मिलते हैं। तो जब कभी भी आपको ब्रूडिंग करनी हो तो आप उससे पहले खाली शेड में नीले थोथे का स्प्रे जरूर मारें। नीला थोथा कैसे यूज करना है, 10 ग्राम आपको 1 लीटर के हिसाब से लेना है, और उसको गर्म पानी में घोलना है। जैसे गर्म पानी डालोगे वो डिजोल्व हो जाएगा। बहुत सारी कंपनियां इस नीले थोथे को गर्म पानी में डिजोल्व करके आप लोगों को बेचती है, ठीक है? तो आप इस बात को समझो, आप बजाय मार्केट से खरीदने के नीला थोथा लाओ, गर्म पानी में भिगो, ठीक है, और उसको डिजोल्व करो, और उसको खाली शेड में और बुरादे के ऊपर स्प्रे करो। बर्ड्स के ऊपर स्प्रे ये नहीं करना, ठीक है? और ब्रूडर निमोनिया में होता क्या है, बर्ड्स हैं, ए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा दिन ऐसे बर्ड मुंह खोल के सांस लेते हैं, और सांस लेने के बाद क्या होता है भैया, डेथ हो जाती है। थोड़े टाइम बाद, वो ज्यादा दिन जीतते नहीं है, लेकिन ये मोर्टेलिटी आपकी 20-22 दिन तक चलती रहती है। तो आपको इस बात को अच्छे से समझना है। उसके बाद है सडन डेथ सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, सडन डेथ सिंड्रोम आपने देखा होगा, जो ब्रायलर आपके फार्म में सबसे ज्यादा वजन वाले हैं, सबसे अच्छे हैं, वो उल्टे होके मरते हैं। क्या होते हैं, उल्टे होके मर जाते हैं, और ये 12, 14, 15, 16 दिन पे कभी भी ऐसे हो सकता है, बाद भी ऐसे होते रहते हैं। तो इसको हम हार्ट अटैक भी बोलते हैं, फ्लिप ओवर भी बोलते हैं, ठीक है? और ज्यादातर इसको देखते हैं, अगर मोर्टेलिटी 10 बर्ड की हुई है तो हम जाके देखते हैं, चेक करते हैं, तो 10 में से 8 के करीब मेल बर्ड्स मिलते हैं। तो हमें पता लगता है ये सडन डेथ सिंड्रोम है। और का सबसे जो इसका जो कारण, आप एक और बात समझो, ये जो देखने में आया है, जहां क्रम्बल्ड फीड ज्यादा, पैलेटेड फीड है, वहां ये ज्यादा रहता है, और जहां स्ट्रोक डेंसिटी मतलब जगह कम है और बर्ड ज्यादा डाल रखे हैं, वहां ये ज्यादा मिलता है। तो इसका क्या सोल्यूशन है, इसका ये सोल्यूशन है, एक तो आप हवा के सर्कुलेशन को बढ़ाओ, जगह को खुली करो, और तीसरा क्या है, मीठा सोडा 150 ग्राम 1,000 बर्ड को 3 दिन के लिए दो, 1 दिन पानी में, और खूब हवा बढ़ाओ, जगह बढ़ जाएगी, हवा बढ़ जाएगी, मीठा सोडा दे दोगे तो ये प्रॉब्लम आपकी सोल्व हो जाएगी। उसके बाद है बिसरल गाउट। गाउट आप लोग समझते हैं, जैसे हम चाक का पाउडर लेते हैं, अगर चाक का पाउडर करके और छिड़क दें, इसी तरह का जब हम बर्ड्स खोलते हैं तो उसके ऑर्गन है, जैसे उसके लीवर के ऊपर है, किडनीज के ऊपर है, हार्ट के ऊपर है, या जो अंदर की कैविटी है उसके अंदर सारा आपको ये सफेद सफेद चाक का पाउडर मिलता है, इसको हम बिसरल गोट कहते हैं। तो अगर ये ज्वाइंट्स में भी होता है, जब छोटे बच्चे होते हैं कई बार आप देखते हैं तो उनके ज्वाइंट सूजे हुए होते हैं, ठीक है, पंजों के, तो वो उसको बोलते हैं आर्टिकुलर गोट, और इसको बोलते हैं विसरल गोट। और विसरल गोट के कारण है, आप ध्यान से समझो, कई बार क्या होता है कि जैसे चिक्स आए स्ट्रेस के कारण, या तो स्ट्रेस के कारण, या जैसे आपने जो पानी दिया है उसका टेम्परेचर कम है, या पानी के अंदर आपने क्या है, बहुत सारी दवाइयां डाल रखी है, कोई दवाई में कैल्शियम डाल देता है, कोई लीवर टॉनिक डाल देता है, कोई बी कम्प्लेक्स डाल देता है, ठीक है, दुनिया भर की दवाइयां डाल देते हैं पहले दिन के बच्चे में, भैया आपको उसको साफ सुथरा अच्छा पानी देना है, ठीक है, और उसका टेम्परेचर भी ठीक हो। अगर वो पानी पिएगा, और कई बार क्या होता है, पानी का बर्तन इस तरह का होता है कि उसकी अप्रोच ही नहीं हो पाती, वो उससे पी ही नहीं पाता। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका बर्ड जब छोड़ने, तो जब भी विसरल गाउट आओ तो पहले ये देखो, कई बार क्या होता है, जहां आपने ऑटोमेटिक सिस्टम बना हुआ है तो किसी कारण से निप्पल्स में हवा ले जाता है, और उससे लाइन में हवा लेने के कारण निप्पल में पानी नहीं आता। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए, निप्पल में अगर ऐसे ऑटोमेटिक सिस्टम है तो आपको एक स्टिक लेके उनको सारों को टच करवाना चाहिए। टच करने से क्या होगा, वो पानी का फ्लो बढ़ जाएगा। एक तो कारण है, सबसे पहले पानी की अप्रोच, ये मैनेजमेंट फॉल्ट है। दूसरा है एक्सेस कैल्शियम इन फीड और वाटर, पानी पानी में कैल्शियम पिलाना, या आपकी फीड में कैल्शियम का लेवल ज्यादा होना। कैल्शियम का लेवल अगर आपका 1% से ज्यादा होगा तो भी इस तरह की प्रॉब्लम आएगी। तीसरी बात है प्रोटीन लेवल आपके फीड में ज्यादा होने। उसके बाद है विटामिन ए की कमी होना, और कोई भी बीमारी जो बर्ड्स के किडनी को अफेक्ट करती है, जैसे कंबोरो डिजीज है,
आईबी डिजीज है, एस्ट्रो डिजीज है, अगर इस तरह की चीजें हैं या कोई टॉक्सिन है जैसे ओकरा टॉक्सिन है, ओकरा टॉक्सिन में तो विसरल गाउट भी मिलता है और आर्टिकुलर गाउट भी मिलता है, अगर ऐसी सिचुएशन है जो किडनी को अफेक्ट करता है तो बर्ड्स में गाउट डेवलप हो जाता है। तो इसके लिए सबसे इससे के लिए जरूरी क्या है, एसाइटिस का और इसका अप्रोक्सीमेटली ट्रीटमेंट सेम है तो मैं एसाइटिस को भी कवर कर रहा हूं। तो एसाइटिस क्या होता है, पेट में पानी का भर जाना। पेट में पानी कब भरता है भाई, जब सर्दियों के दिनों में, जब सर्दियों के दिनों में जगह कम हो, हवा का सर्कुलेशन कम हो, ऑक्सीजन की मात्रा उसे कम मिलती हो, ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, जब बर्ड 20-22 दिन पे पहुंचता है या जब वो ग्रोथ लेना शुरू करता है तो उसके पेट में पानी भरना शुरू हो जाता है। तो कारण क्या है कि उसके लंग्स की डेवलपमेंट नहीं हो पाती, क्योंकि आपने सारे शेड को बिल्कुल टाइट करके रखा, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा उसको अवेलेबल नहीं हुई। तो आपको ये ध्यान रखना है। और इसमें एक कारण और क्या है कि अगर किसी भी कारण से उसके किडनी खराब हुए हैं बर्ड के, तब भी ये सिचुएशन होते हैं। अगर सोडियम का लेवल ज्यादा है तब भी ये सिचुएशन होती है, और ऑक्सीजन कम होना तो सबसे बड़ा कारण है। अब आप ये देखिए, तो एसाइटिस है और विसरल गाउट है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अप्रोक्सीमेटली सेम है। पहले तो सबसे पहला हम मैनेजमेंट पे काम करेंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसकी जगह बढ़ाएंगे, और दूसरी बात उसका हवा का सर्कुलेशन बढ़ाएंगे, और तीसरी चीज क्या है, विटामिन सी और विटामिन ए देंगे। और ये कुछ दवाइयां एबिसोल है, नीरी है, यूरोकेयर है, डिप्रोसिनी है, इनके साथ हम विटामिन सी और विटामिन ए देंगे और साथ में जगह बढ़ाएंगे, हवा का सर्कुलेशन बढ़ाएंगे, तो ये आपकी प्रॉब्लम 3-4 दिन में सॉल्व। लेकिन ये बेसिकली सारी मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है। उसके बाद ये बहुत ध्यान से समझने वाला टॉपिक है, पानी का कंजम्पशन है वो टेम्परेचर के साथ चेंज होता रहता है। आप इस टेबल में देखिए, जैसे 0 से 7 दिन है, अगर टेम्परेचर 21 डिग्री सेंटीग्रेड है तो ग्रेट 21 डिग्री सेंटीग्रेड, ये टेबल है वाटर कंजम्पशन, 1000 बर्ड्स कितना पानी पीता है। अलग अलग टेम्परेचर पे आप ध्यान से देखो, जैसे मैंने ये रेड कर रखा है, 43 दिन पे आप देखिए, डिग्री टेम्परेचर है तो 256 लीटर पानी पी रहा है, और वही टेम्परेचर अगर 43 डिग्री है तो 768 लीटर पानी पी रहा है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 3 गुना ज्यादा। हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एंटीबायोटिक डालते हैं तो हम कैसे डालते हैं, 1 ग्राम 1 लीटर में, 1 ग्राम 2 लीटर में। भाई आप ये प्रैक्टिस ना करें, अगर आपका दवाई ज्यादा जा रहा है तो एक तो आपकी पैसे की वेस्टेज है, दूसरा ओवर मेडिकेशन होता है तो बर्ड के ऊपर बहुत बड़ा स्ट्रेस है, ग्रोथ के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो जो भी एंटीबायोटिक दें उसका बेस उसको हमें बॉडी वेट के हिसाब से देना चाहिए। कोई भी एंटीबायोटिक है उसको किसके हिसाब से, बॉडी वेट के हिसाब से देना चाहिए। और दूसरा हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो कितना पानी पी रहे हैं, अलग अलग टेम्परेचर में, अलग अलग कंडीशन में वाटर इनटेक बर्ड्स का अलग अलग है। तो आप इस टेबल को ध्यान से अच्छे से समझ लीजिए तो इससे आपको बहुत फायदा होगा। उसके बाद मैं आपको एक सिंपल कैलकुलेशंस दे रहा हूं। जैसे शुरू में चिक्स आते हैं, हम वेंडोक्सेन देते हैं, ये बहुत अच्छी दवाई है, ठीक है। इसमें नियोमाइसिन 10% है, डॉक्सीसाइक्लिन 10% है। 10% का मतलब क्या है कि 1 ग्राम में 100 मिलीग्राम नियोमाइसिन और 100 मिलीग्राम डॉक्सीसाइक्लिन है। और इसका जो डोज है नियोमाइसिन का 10 mg से ये 40 mg तक वेरी करता है। तो इसका 10 mg पर केजी बॉडी वेट और डॉक्सीसाइक्लिन का 20 mg पर केजी वेट, दोनों को हम लगा के, क्योंकि नियोमाइसिन 10 से 40 mg तक वेरी करता है, उसको भी हम 20 mg तक लेके चलते हैं। तो जो वेंडोक्सेन का जो डोज है वो लेते हैं 20 mg पर केजी बॉडी वेट। आप इस बात को थोड़ा ध्यान से समझो, देखो 1 ग्राम मेरे पास नियो वेंडोक्सेन है, 1 ग्राम में क्या हुआ, 100 मिलीग्राम नियोमाइसिन 100 मिलीग्राम डॉक्सीसाइक्लिन हुआ, तो मुझे बॉडी वेट के हिसाब से 20 मिलीग्राम 1 किलो के लिए, तो 100 को हम भाग करेंगे 20 से कितना आ जाएगा 5, तो 1 ग्राम 5 किलो बॉडी वेट के लिए ये डोज इसकी बन गई। मैं इसको दोबारा से आपको समझा रहा हूं। जैसे मेरे पास ये दवाई है वेंडोक्सेन, ये है 10%, 10% का मतलब क्या हुआ 1 ग्राम में 100 मिलीग्राम, अगर कोई 20% है तो 1
ग्राम में 200 मिलीग्राम, अगर कोई 62% है तो इसका मतलब यह एक ग्राम में 625 मिलीग्राम। अब हम ये देखते हैं कि इसकी डोज क्या है, इसकी डोज है 20 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट, तो एक ग्राम में ये 100 मिलीग्राम है, तो मैं क्या करूंगा 20 से भाग दे दूंगा, 20 से भाग देने के बाद 5 आएगा, मतलब ये एक ग्राम जो दवाई है वो 5 किलो बॉडी वेट के लिए यूज होगी। तो देखो अगर मान लो मैं पहले दिन देता हूं, पहले दूसरे तीसरे दिन दे रहा हूं, 21 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ये जाएगी 20 ग्राम के करीब, 20 ग्राम मैंने हायर साइड पे लिया भैया। वो मैंने क्यों लिया है ये हायर साइड पे, ये मैंने इसलिए लिया है कि जैसे मैं ये कैलकुलेट करता हूं इसके हिसाब से तो ये आएगी 8-10 ग्राम के करीब, लेकिन मैंने ये ज्यादा इसलिए ले लिया क्योंकि नंबर ऑफ बर्ड्स ज्यादा है, उस बेसिस के ऊपर मैंने मेटाबॉलिक सिस्टम बहुत सारा इकट्ठा हो रहा है, इस वजह थोड़ा मैंने हायर साइड पे लिया है। तो 20 ग्राम 1000 बर्ड्स को, और वाटर इनटेक है 1000 बर्ड्स को 21 डिग्री सेंटीग्रेड पे है 27 लीटर, और 43 डिग्री सेंटीग्रेड पे है 78 लीटर, अप्रोक्सीमेटली 3 गुना। तो इसका जो डोज बनता है अगर 21 डिग्री है तो उसके पानी के हिसाब से जैसे मुझे 20 ग्राम देना था तो ये पानी जा रहा है कितना 27 लीटर, तो मैं क्या करूंगा 1 ग्राम 1.5 लीटर के करीब, और 43 डिग्री है तो यही मेरी दवाई जाएगी 1 ग्राम 4 लीटर। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम ये देखते ही नहीं, हम सारे सीजन एक ही डोज रखते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए सबसे पहले बॉडी वेट कितना है, फिर उसके बाद ये देखना चाहिए कि इस मौसम में हमारा पानी कितना बढ़ पे रहा है। और मेरी सब फार्मर भाइयों से, सभी ब्रायलर पालने वाले फार्मर भाइयों से रिक्वेस्ट है, वो अपने फार्म में वाटर मीटर जरूर लगाएं। वाटर मीटर लगाने से हमें डेली बेसिस पे ये पता लग जाएगा कितना पानी पी रहे हैं। तो जो सबसे पहले कभी भी स्ट्रेस होगा, सबसे पहले पानी कम होगा। अगर आपको ये पता लग गया आज मेरा पानी कम हुआ है, तो आप एकदम से देखोगे कारण क्या है, और अगर आपको एकदम से पता लग गया तो आपका जो लॉस है, जो उसको बीमारियां बढ़नी है, आप उसको आराम से चेक कर सकते हो। अब उसी इसी तरह से जैसे सीआरडी प्रिवेंशन प्रोग्राम है, ठीक है, तो आप ये देखो सीआरडी प्रिवेंशन प्रोग्राम क्यों जरूरी है ब्रायलर में। आप मेरे भाइयों से रिक्वेस्ट है, जब भी कभी आप इस बात को देखना, जब कभी भी आप गंबोरों का वैक्सीन देखते हैं 12-14 दिन पे, एक दो दिन के बाद ही कहते हैं सांस की आवाज शुरू होगी। अगर आपके यहाँ सांस की आवाज ऐसे सिचुएशन में शुरू है तो आपको ये चाहिए कि आपको सीआरडी कर देना चाहिए। ये ज्यादा गर्मियों में और ज्यादा सर्दियों में आपको मिलेगी, ठीक है। अब वही फिर इसको डोज कैसे कैलकुलेट करें, देखो वेंडोक्सेन 10%, इसका मतलब क्या है 1 ग्राम में 100 मिलीग्राम है, और इसका डोज क्या है 20 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट, इसका मतलब यह हुआ 1 ग्राम 5 किलो बॉडी वेट के हिसाब से, ठीक है। तो इसको हमने क्या करना है, हमें इसको देना है, ये इसकी डोज कैलकुलेट यहां होती है 8 ग्राम 8 ग्राम 1000 चिक्स को पहले दिन दूसरे दिन और तीसरे दिन 24 घंटे पानी में, और हमने चिक्स का जो वजन लिया है वो क्या लिया है 40 ग्राम, ठीक है। 1000 बर्ड्स हो गए तो उसका वजन हो गया 40 किलो, तो 1 ग्राम है 5 किलो बॉडी वेट पे, तो ये डोज बन गई हमारे। 5 को मैं किससे डिवाइड कर दूंगा, जो टोटल 1000 चिक्स का वजन है 40 किलो, उससे भाग कर दूंगा तो ये 8 ग्राम आ जाएगी। इस तरह से आप सोलुटाइल को देखिए, सोलुटाइल क्या है, इसमें टाइलोसिन टार्ट्रेट है 62%, इसका ये मतलब है कि 1 ग्राम में 625 मिलीग्राम टाइलोसिन टार्ट्रेट है, और इसका जो डोज होता है वो होता है 176 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट। इसका मतलब यह है कि 1 ग्राम सोलुटाइल 3.5 किलो बॉडी वेट के लिए काम आती है। तो हम क्या करते हैं, जैसे इसको वेट को हम करके देखते हैं तो सोलुटाइल हमारी आती है 12 ग्राम 1000 चीज को पहला दूसरा और तीसरे दिन पे, और जब हम इसको रिपीट करते हैं 16 दिन पे, तो हमें 16 दिन के आसपास रिपीट कर देनी चाहिए। जब इसको हम रिपीट करते हैं तो वेंडोक्स का लेवल बनता 100 ग्राम 1000 बर्ड्स को 3 दिन पर। ये हमें कैसे ध्यान देना है, वाटर कंजम्पशन के ऊपर ध्यान देना है कि हम इसको 1 ग्राम 1 लीटर में दें 3 लीटर में दें, लेकिन आपको ये डोज पता लगे कि 100 ग्राम मेरे को 1000 बर्ड्स को देना है। इसी तरह से सोलुटाइल को आपको देना है 140 ग्राम 1000 बर्ड्स को,
आप एक दिन के लिए भी दे सकते हैं, जब अगर प्रॉब्लम कम है तो आप सोलोटाइल को एक दिन के लिए दे सकते हैं 16 दिन, अगर आपको लगता है प्रॉब्लम भरी गर्मी और भरी सर्दियों के लिए आप इस, ठीक है। और हमेशा एंटीबायोटिक जो भी आप यूज करें उसका पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से दीजिए, आप पर लीटर पानी के हिसाब से मत दीजिए, पहले उसको कैलकुलेट कीजिए और उसके बाद आप उसको बॉडी वेट के हिसाब से एंटीबायोटिक। अब इसी तरह से देखो आप कोक्सिडियोसिस प्रिवेंशन प्रोग्राम, आप सभी भाइयों को एक बात का समझना बहुत जरूरी है, अगर आप ब्रायलर को अच्छे से पालना चाहते हैं 90% आपकी प्रॉब्लम कोक्सिडियोसिस से स्टार्ट होती है, 90% आपकी प्रॉब्लम कोक्सिडियोसिस से स्टार्ट होती है। और इसको हम कैसे पहचानेंगे, जब भी हमें देखा 5% पतली बीट आने लगी तो इमीडिएटली आप जो भी मोटलिटी हो उसकी आंतों को चेक करें और उसकी आंतों से कोई भी जो हमारी लैब है आप वहां जाके डॉक्टर को ये बोलो कि इसका ऊसिस चेक करो, इसमें कोक्सी है या नहीं। आप नंगी आंखों पे मत देखना, क्योंकि नंगी आंखों से ना आपको पता लगेगा ना डॉक्टर को पता लगेगा, उसकी आप स्लाइड बनवाना और स्लाइड भी एक एक बैठ के चार चार स्लाइड बना के देखें अलग अलग पोर्शन से, तब हम इस बात को पकड़ पाएंगे। अगर हमने ये जल्दी पकड़ ली कोक्सी कि भाई बर्ड में कोक्सी स्टार्ट हो रही है, अगर हमें जल्दी पकड़ ली तो हम इसको जल्दी ट्रीटमेंट दे देंगे तो हमारा खर्चा कम लगेगा, और दूसरा बात है बर्ड्स में कॉम्प्लिकेशन कम से कम आएगी। तो मैं ये देख रहा हूँ जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, सबसे पहले प्रॉब्लम शुरू होती है कोक्सिडियोसिस। तो जो लोग मेरी बात को सुनते हैं, जो बात मानते हैं, उन लोगों को मैं अर्ली स्टेज पे 15-16 दिन के आसपास ही कोक्सिडियोसिस का प्रिवेंशन प्रोग्राम करा देता हूँ। इसके लिए देखो आप डोज कैसे कैलकुलेट करना, अब एंटोलियम में 20% एम्प्रोलियम का मतलब क्या है कि 1 ग्राम में 200 मिलीग्राम है, और डोज क्या है एम्प्रोलियम की 25 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट, तो मैं 25 को 200 से भाग कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ गया 8 किलो बॉडी वेट, 1 ग्राम एम्प्रोलियम मेरा 8 किलो बॉडी वेट के हिसाब से। और देखो जैसे मेरे पास 1000 बर्ड्स हैं, 18 दिन के हैं, एक बर्ड का वजन है 800 ग्राम, तो 1000 बर्ड्स का वजन हो गया 800 किलो, तो मैं क्या करूंगा जैसे मेरी डोज बनी एम्प्रोलियम की 1 ग्राम 8 किलो बॉडी वेट के हिसाब से, तो 800 किलो के लिए एम्प्रोलियम की जो जरूरत पड़ेगी वो 100 ग्राम पड़ेगी। तो पानी है, पानी जो पीता है बर्ड 21 डिग्री सेंटीग्रेड पे 18 दिन का, वो पी रहा है 153 लीटर, तो जो डोज मेरी बनती है वो बनती है 100 ग्राम 153 लीटर पानी, अप्रोक्सीमेटली 1 ग्राम 1.5 लीटर पानी के अंदर। तो मैं इसको अगर यही डोज देखो, अगर टेम्परेचर है 43 डिग्री के आसपास, तो ये जो पानी 153 लीटर था 21 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये पानी हो गया 324 लीटर, और तब मेरी जो डोज बनती है वो बनती है 1 ग्राम 3.2 लीटर पानी में। तो इसलिए ये बात समझनी जरूरी है, अगर हमें ये बात समझ में आती है तो हम फालतू वेस्टेज से बचते हैं, और जब दवाई ज्यादा जाती है बर्ड में तो उस पर स्ट्रेस पड़ता है, स्ट्रेस पड़ने से उसका FCR खराब होता है, उसका वजन भी कम होगा और उसका फीडिंग टेक भी कम रहेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब भी कभी आप कोक्सिडियोसिस का ट्रीटमेंट देते हैं तो हमेशा ये ध्यान रखो पानी कितना पी रहा है बर्ड, और दूसरी बात यह है कि उसका वो जो दवाई देनी है वो हमें बॉडी वेट के हिसाब से देनी है, बर्ड का वजन कितना है। और किसी भाई को कोई दिक्कत है जब कभी भी ऐसे लगे तो मेरा फोन नंबर है, आप मुझसे टेलीफोनिकली बात करके कि इसकी मैं क्या डोज दूं, ठीक है, उसको मेरे को बताना है कि इसका बॉडी वेट कितना है, टेम्परेचर कितना है, और पानी अप्रोक्सीमेटली कितना पी। अब आता है कि आपको एम्प्रोलियम देने की जरूरत क्यों पड़ती है, आपको कोक्सिडियोसिस प्रिवेंशन प्रोग्राम क्यों चाहिए। आप सभी लोगों, जिन लोगों को साइक्लिक प्रॉब्लम्स हैं, बार बार CRD बनती है, बार बार जिसको RD का प्रॉब्लम है, कोई और वायरल प्रॉब्लम है, उन भाइयों से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा तो 16 दिन के ऊपर इन लोगों को वायरल की प्रॉब्लम है,
28 दिन पे जिनकी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, पहले शुरू हो जाती है, वजन ठीक से नहीं बढ़ता, ठीक है, मुर्गा ठीक से तैयार नहीं होता, उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी एक बात मान लें, 16 दिन के ऊपर आप कोक्सीडियोसिस का एक प्रिवेंशन प्रोग्राम दे दीजिए। आपकी 90% प्रॉब्लम्स, आपके ब्रायलर को पालने की 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और अगर आपको मेरी ये भी बात नहीं सुननी है तो आप मेरी एक और दूसरी बात सुनो, शेड को अच्छी तरह से साफ कीजिए, शेड को अच्छी तरह से साफ कीजिए, कास्टिक सोडे से धोइए, उसके बाद उसकी बर्निंग कीजिए, और जो शेड का गेट है गेट को अच्छी तरह साफ कीजिए, और चप्पलें शेड के अंदर की और शेड के बाहर की अलग अलग रखिए। जहां फीड रखते हैं वहां फीड का भी आप ऐसे शेड के अंदर फीड गोडाउन की चप्पलें अलग और बाहर की अलग। अगर आपने ये छोटी सी बात को भी समझा तो भी आपकी कोक्सी की प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व। अदरवाइज आप ये 16 दिन पे आपका ट्रीटमेंट दीजिए, 90% आप इसको 2 दिन फ्लोक दीजिए और आप ये कहोगे सब कुछ चेंज होगा। और सबसे बड़ी बात है, जब भी आप ये ट्रीटमेंट देंगे तो 15 से 20% अगले दिन या उससे अगले दिन आपका पानी भी बढ़ जाएगा, फीड भी बढ़ जाएगा। आप कभी भी करके देखिए, और जिस भाई को इस पर कोई डाउट लगता है तो मेरे को टेलीफोनिकली बताए कि ये बात आपकी गलत है, ठीक है, ये आपके लिए बहुत फेवर की बात है। और आप ये देखोगे कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं बर्ड चेक करवाने की जरूरत नहीं, आप आराम से बर्ड्स को पालोगे। ये ज्यादा प्रॉब्लम कब शुरू होती है, ये आपका जुलाई और अगस्त में रहेगी, नवंबर दिसंबर और जनवरी में रहेगी। तो आपको ये प्रिकॉशन लोगे तो आपको इससे बहुत फायदा मिलेगा। अब उसके बाद आता है लेग और बोन की प्रॉब्लम्स, जो ब्रायलर में लेमनेस कैसे होती है। शशि जी, यस सर, यस मुझे ये सर, बताओ, 12:30 बज गए, ठीक है सर। इसको यही यही ड्रॉप करें या कंटिन्यू, क्योंकि ये बहुत सारा बड़ा टॉपिक है, हम इसका ये ओके ओके पार्ट सर, नहीं कर तो हाँ सकते। और ये जो नेक्स्ट वीक में एक और रख लेंगे सर, क्वेश्चन इसको पार्ट टू कर आंसर का दीजिए। जो सेशन ओपन सेशन शुरू कर देते हैं। राइट सर, नो प्लीज माइक म्यूट कीजिए, ये आवाज आ रही है आपकी, हाँ जी म्यूट कीजिए। हाँ ओके सर, अभी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई विल कंटिन्यू। हाँ जी हेलो, हेलो, हाँ जी सर, हाँ सर, मे आई थ्रो सम क्वेश्चन सर? हाँ यू कैन पुट, या सर, गुड आफ्टरनून, माय नेम इज इंद्रजीत फ्रॉम वेस्ट बंगाल। ओके तो सर एक क्वेश्चन था आपको। हम लोग जब सर अभी रेस्टिक एल के साथ सॉलिटाइल देते हैं, हाँ प्लीज कंटिन्यू बोलिए। हाँ हाँ सर, सुनाई दे रहा है? जी सुनाई पड़ रहा है, बोलिए। बोलिए आप। हाँ, तो सर ये क्या विंटर सीजन या प्री विंटर में क्या सर रेस्टिकल के बदले क्या वेंडोक्स इन यूज करना है, या रेस्टिकल्स के साथ सॉलिटेरली यूज करना है? हाँ सुनो, मेरी आवाज सुन रही है आप लोगों को? हाँ सर, ऑडिबल। जैसे भैया आप ध्यान से सुनो, जो माइकोप्लाज्मा है वो प्रेसिपिटेट करता है इन प्रेजेंस ऑफ इकोलाई। माइकोप्लाज्मा ओके प्रेसिपिटेट करता है इन प्रेजेंस ऑफ इकोलाई, आप इस बात को ध्यान से समझिए। और इकोलाई के लिए जो बेस्ट मेडिसिन है, तो हम लैब में सेंसिटिविटी और कल्चर टेस्ट करते हैं, उसमें नियोमाइसिन की और डॉक्सीसाइक्लिन की बहुत ही अच्छी सेंसिटिविटी आती है। ये ओके जरूरी है कि आप लोग वेंडोक्सेन यूज करेंगे तो ये बेस्ट मेडिसिन है और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ओके ओके
और सर और एक क्वेश्चन था सर, हम लोग रिपीट करते हैं आपका 21st डेज में हम लोग वैक्सीन करते हैं आपका मास्टर क्लोन का, तो 17, 18, 19 तीन दिन हम सिर्फ रात के पानी में आपका रेस्टिकल और आपका उसके साथ सॉलिटाइल देते हैं और उसके साथ बायोस्पार्क देते हैं, तो सर ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये सिर्फ रात के पानी में ही देता है, तो ये प्रोसीड्योर तो ठीक ही है तो नहीं, नहीं नहीं, जो एंटीबायोटिक चलेगा वो 24 घंटे के लिए चलेगा, ओके एंटीबायोटिक चलेगा 24 घंटे के लिए चलेगा, और जो एंटी माइकोप्लाज्मा ड्रग्स है वो आप एक टाइम पानी में दे सकते हैं, ठीक है, ओके। और सर तब तब एम्प्रोलियम का हम लोग तो कॉस्टिक सोडा यूज करते हैं, उसीलिए हमारा आपका कॉक्सी का कुछ प्रॉब्लम नहीं है अभी फिलहाल, तो विंटर में क्या करें? अगर आप लोग कॉस्टिक सोडा से फर्श को धोओगे, और दूसरी बात आप चप्पलें शेड के बाहर की बाहर रखोगे, अंदर के अंदर रखोगे, तो ये मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है, एक छोटी सी बात से अगर आप अच्छे से समझोगे तो कोक्सी नहीं आएगा, और कोक्सी नहीं आएगा तो आपको बहुत बचत होगा। हाँ सर, तो ब्रायलर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही कोक्सीडियोसिस है, उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम्स है। ओके सर, थैंक यू सर। और सर आपका कुछ कॉन्टेक्ट नंबर मिल सकता है सर कुछ? हाँ, आपके साथ लेटर से जो मेरा उसमें पहले स्लाइड में है देखो आराम से। सर वो तो ऑडिएबल वो तो विजिबल नहीं हो रहा है सर। नहीं नहीं होगा, अभी अभी देखना, अभी भी विजिबल होगा। सर नमस्कार सर, मेरा ये कॉन्टेक्ट नंबर है। हाँ जी हाँ बोलिए। हेलो हेलो, हाँ जी बोलिए। सर मेरा नाम मुलक राज है। हेलो, आपसे बोल रहा हूँ सर। सर माइसेल्फ प्रिंस, क्या मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ पूछ सकते हैं, कहाँ से बोल रहे भैया? फिर शाहबाद से। हेलो, कहाँ से? शाहबाद मारकंडा कुरुक्षेत्र। अच्छा अच्छा अच्छा, आप तो मेरे एरिया कुरुक्षेत्र शाहबाद से सर। हाँ जी बोलिए सर। फार्मर का सर एक प्रॉब्लम रहता है छोटा सा, कि जैसे बर्ड में लाइव लास्ट सर, जैसे लाइव लास्ट का वैक्सीन होता है ना छोटा, हाँ सर, जैसे इसको करते हैं ना उसमें बर्ड में, तो सर फार्मर बोलते हैं कि साउंड का प्रॉब्लम हो जाता है सर। हाँ, इसका इसका मतलब आप ये समझो, अगर आपने माइकोप्लाज्मा जैसे वेंडोप्लेन और सोलुटाइल आपने शुरू में यूज किया, पहले दूसरे अगर आपने पहले तीन दिन प्रोग्राम किया, ठीक है, वेंडोक्सेन और सोलिटाइल यूज किया, तो आपकी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी सर। प्रॉब्लम इसके साथ आपको ध्यान क्या रखना है, एक तो आपको एयर सर्कुलेशन का ध्यान रखना है, आपके शेड में हवा का सर्कुलेशन ठीक हो, दूसरा बर्ड्स को स्पेस ठीक से मिले, और तीसरा आपका लीटर का मैनेजमेंट ठीक हो, आपका टेम्परेचर शेड में ठीक हो, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। हेलो, हाँ प्रिंस जी बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए। हेलो डॉक्टर, माइसेल्फ प्रिंस फ्रॉम कुरुक्षेत्र। प्रिंस जी बोलिए, आपका आवाज नहीं आ रहा है, आपका ब्रोकन आवाज आ रहा है। अभी आ रहा है सर आवाज? नहीं सर, नहीं आवाज बिल्कुल नहीं आ रहा है, काफी ब्रेक हो रहा है। प्रिंस जी आवाज खराब हो रही है जी, आवाज ब्रेक हो रहा है सर। कैन आप चार्ट पे लिख सकते हैं जी? हाँ आ रहा है, बोलिए बोलिए। हेलो, हाँ बोला जाए प्रिंस जी, बोलिए। हेलो, यस बोलिए। हेलो, हाँ सर बोलिए ना, आवाज आ रही है प्रिंस जी। हाँ उनका प्रॉब्लम, एनी अनदर क्वेश्चन? अभी आ रही है, हाँ आ रही है, आ रही है, बोलिए प्रिंस जी, बोलिए सर आवाज। हाँ जी अभी सर मेरे तीन क्वेश्चन थे रिगार्डिंग कोक्सीडियोसिस।
सर फर्स्ट वन इज अगर हम जैसे आपने बताया कि एम्प्रोलियम 1 ग्राम पर 8 kg बॉडी वेट पे देना है. यस हेलो हाँ ठीक है प्रिंस साहब बिल्कुल ठीक. मान लीजिए बॉडी वेट के हिसाब से उसको हम कैलकुलेट करके जो हाँ जी अगर हम उसे बॉडी वेट पे कैलकुलेट करके 24 घंटे की जगह 4-5 घंटे के पानी में दें राउंड द क्लॉक देने की बजाय तो क्या डिजायर्ड रिजल्ट मिलेंगे? आपको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेंगे. उसमें क्या दिक्कत रहेगी सर अगर हमने बॉडी वेट के हिसाब से कैलकुलेट कर लिया डोज को तो भी? हाँ हाँ इसका हाफ लाइफ का पीरियड होता है ना भैया. ओके समझ गए. ये ऐसे नहीं है इसको 24 घंटे चलेगा जब इफेक्टिव रहेगा अदरवाइज वो लेवल कम हो जाएगा. ओके ओके चाहे डोज उसकी बॉडी वेट के हिसाब से हमने कर भी लिया उसको आप 24 घंटे पानी के अंदर कीजिए बस. ठीक है सर. दूसरा क्वेश्चन था मान लीजिए हमने कहीं पे डायग्नोज कर लिया कि कोक्सिडाइसिस है तो उसके बाद इसको मिनिमम कितने दिन हमें एम्प्रोलियम देना होगा कि हम उसको टोटली इरेडिकेट कर पाए? अब सुनो देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्रिंस जी आपका. मेन चीज क्या है कोक्सिडियोसिस एक मैनेजमेंटल प्रॉब्लम है और ये क्या होता है कि ये शेड में चलती रहती है जैसे कुछ बार ठीक होते हैं कुछ नए और शुरू हो जाते हैं. कुछ ठीक होते हैं कुछ नए शुरू हो जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए एक बार ट्रीटमेंट 5-7 दिन का दे दिया उसके बाद हम क्या करेंगे जो नए बर्ड मिलेंगे नए बर्ड कैसे पहचानोगे? जब आप शेड में जाओगे आप फीड डाल रहे हो तो फीड के ऊपर नहीं आएंगे पानी के साथ साथ खड़े रहेंगे फीड के साथ साथ खड़े रहेंगे कहीं कोनों में खड़े रहेंगे कहीं दीवारों के साथ खड़े रहेंगे और उनकी जो टांगे हैं उनकी जो जी आवाज आ रही है उनकी जो टांगे हैं वो जी जी सर आई कैन हियर यू उनकी टांगे पतली मिलेगी वो बर्ड कम फीड लेगा कम पानी पिएगा हाइड्रेट हो जाएंगे वो अलग अलग खड़ा रहेगा या फीडर के पास खड़ा रहेगा या पानी के साथ खड़ा रहेगा. आप उनकी छटाई करके एक जगह अलग से ले जाएं साफ सुथरा उसको अच्छे से स्पेस दें अच्छा लीटर दें और आप उसको दवा दें तो आप इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. ट्रीटमेंट एक बार दीजिए बार बार ट्रीटमेंट मत दीजिए बार बार तो आप बर्ड्स को निकालें. जैसे आपका 10,000 का बर्ड्स है आपने ट्रीटमेंट दिया उसके बाद आपको मैक्सिमम 200 बर्ड और मिलेंगे फिर भी आपको लगता है तो उसमें 50 बर्ड 10 बर्ड 20 बर्ड और मिलेंगे. ठीक है सर मतलब यही मेन इश्यू था हमें कि हम जैसे ट्रीटमेंट देते हैं 5-7 दिन का उसके बाद भी हमें क्या लगता है कि कहीं पे ब्लडी ड्रॉपिंग रह जाती है तो हम ये सोचते हैं कि वो रीअकर कर गया पूरे फ्लोक में. कंफर्म करना है कि क्या उसमें इम्यूनिटी गेन हो जाती है अपने आप बर्ड में जो एक बार रिकवर कर गया? उसमें इम्यूनिटी देखो उसमें इम्यूनिटी गेन हो जाएगी एक बात. दूसरी बात क्या है कि जैसे आप फीड का ये ट्रीटमेंट शुरू करते हैं आपका फीड और पानी बढ़ना शुरू हो जाता है. आप कभी भी देखना जब फीड और पानी आपका बढ़ना शुरू हो जाए तो आपको सिर्फ छटाई करनी है छटाई करके छटे हुए बर्ड को ट्रीटमेंट और देना बस. ओके ठीक है ओके तो यही सर एक तो दिक्कत यही हमें रहती है कि हमें फिगर आउट नहीं कर पाते 2-3% दूसरा सर 3% बर्ड मिलते हैं बस. और बताओ. ठीक है सर एक मेरा क्वेश्चन और था आपसे एक क्वेश्चन और था कि जैसे किसी शेड के अंदर मान लीजिए साइक्लिक प्रॉब्लम है कि मान लीजिए फ्लो दर फ्लो की कोक्सिडाइसिस हिट कर रहा है तो उसमें अगर हमने एज ए प्रिवेंटिव एम्प्रोलियम या कोई भी कोक्सिडाइसिस देना है तो कितने कितने दिन के अंतराल पे कब कब हमें इसको प्रिवेंटिव में देना चाहिए? सुनो आपको ऐसे इस चीज को ऐसे नहीं करना. सबसे पहले माइंड में ये रखो ये मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है ठीक है और ये आता कैसे है इस बात को समझ लो. ये 3 सोर्सेज हैं ये फीड से आता है पानी से आता है और बुरादे से आता है जो नीचे लीटर है आता है. पहले तो इस मैकेनिज्म को समझो. तो सबसे पहली बात है इस बात को अगर ये फीड से आ रहा है तो आपको चाहिए फीड गोडाउन पे जो आपकी चप्पलें हैं वो सेपरेट हो अंदर के लिए सेपरेट चप्पलें हो बाहर के लिए सेपरेट हो. दूसरा क्या है कि कैरियर ना हो किसी भी तरह से शेड के अंदर का शेड के अंदर लीटर में जब शेड में जाते हो वो चप्पलें सेपरेट हो अंदर की अंदर बाहर की बाहर. तीसरा पानी का है. पानी का क्या होता है एक डब्बा आपने क्या किया जैसे एक डब्बा आपका नीचे रखा है डीप इसमें
लीटर के ऊपर, आपने उस उसकी तली के ऊपर वो उसी से चिपक गए, उस डब्बे को लेबर ने उठाया और पानी के अंदर डाला किसी भी तरीके से, ठीक है, तो वो उससे चला जाएगा। तो तीन सोर्सेज हैं, फीड है, पानी है और आपका लीटर है। अगर आपको आपने सफाई प्रॉपर से की है, कास्टिक सोडा से धोया है, आपने बर्निंग प्रॉपर की है, तो आपकी प्रॉब्लम 5-10% रहेगी। और आपको कंटिन्यूस ये काम करना है, हर शेड में पुरानी आपकी पुराना लीटर ना हो, पुरानी ना हो कहीं भी, ठीक है, खासकर गेट के सामने कुछ भी ना हो, पूरी की पूरी उसकी सफाई करो, चूना डाल के रखो, चप्पलों को सेपरेट रखो। ये छोटी छोटी बातें हैं, इसी से आपका ठीक हो, और लीटर को गंदा मत होने दो, ठीक है सर। हेलो, मतलब सर जब भी कोक्सिड एसिड दिया जाए तो वो एज ए ट्रीट, मतलब जब भी हम कोक्सिड एसिड या प्रोलियम दे तो एज ए ट्रीटमेंट ऑप्शन ही दे, एज ए ट्रीटमेंट ही जाएगा, प्रिवेंटिव जाएगा, प्रिवेंटिव भी यूज कर सकते हैं। वो 16 दिन पे, मैं 16 दिन पे ऑनलाइन मीटिंग चल रही है, पहले 20-21 दिन पे करवाता था, अब 16 दिन पे करवाता हूं। तो 16 दिन पे करवाने के मैंने आपको बताया कि मेरे फार्म में या तो आपका फार्म कच्चा है या पक्का है, प्रिंसिप सर कई बार मैंने देखा है कि मेरे एक शेड के अंदर सर कच्चा फार्म है और उसमें 10-12 दिन पे ही कच्चा फार्म है सर। आप उसका उसका ये ध्यान रखो, एक तो उसकी आप मिट्टी उठवाओ, जब भी आप उसमें शेड में वो डालो तो आप उसकी पहले मिट्टी साफ करो, 6 इंच मिट्टी निकलवाओ और दूसरे उसमें नई मिट्टी डालो, ठीक है, ठीक है ना, तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हाँ, क्योंकि सर उसमें उसमें 10 से 12 दिन पे ही लूज ड्रॉपिंग शुरू हो जाती है और ब्लडी ड्रॉपिंग भी मतलब आनी शुरू हो जाती है। 10 12 पे शुरू हो जाती है तो आपको 8वें दिन पे ही प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट दे देना चाहिए, 8 दिन पर। सर वो कितने दिन का होना चाहिए प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट? प्रिवेंटिव 5 दिन का रहेगा, प्रिंसिप 5 दिन मिनिमम, 5 दिन का तो रहेगा ही प्रिवेंटिव भी रहेगा, ओके। और सर मान लीजिए 8 दिन पे शुरू कर दिया, 12 दिन तक हो जाएगा पूरा, जहां भी ये कच्चे फार्म है। उसके बाद सर बात देखो, आपको मैंने बेसिक चीज बताई, ये मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है, ये जड़ खत्म करो। मैं बिल्कुल समझ गया सर, ठीक है सर। सर 8 से 12 दिन तक हो गया प्रिवेंटिव एक बार, तो सेम फ्लोक के अंदर दोबारा भी प्रिवेंटिव की जरूरत है या एक जब पड़ेगी? जब आप बीट देखो, बीट पतली कब होती है बस, और उसके बाद ये देखो बीट पतली का कारण कोक्सिडियोसिस है क्या, तो करनाल हमारा लैब है, हमारे लैब में जाके बर्ड लेके जाओ या बीट को उठा के लेके चला जाओ, कुछ पेपर्स पे बीट उठा के अलग अलग कर लो और उनकी स्लाइड बनवा के उसमें उसी चेक करवा लो, ठीक है, तो उससे आपका अगर कोक्सी है तो आपको पता लग जाएगा कि ये कोक्सिडियोसिस है वहां आपको, ठीक है। हेलो प्रिंस जी, ओके ठीक है सर। हाँ जी सर, जैसे कहते हैं कि जी सर मैं सुन पा रहा हूँ आपको। हाँ जी छोड़ दो। हाँ जी, जैसे सर ये कहते हैं कि इसका जो कोक्सीडिया है इसका 7 दिन का लाइफ साइकिल है, कि ये 7 दिन में मैच्योर हो जाता है ओसिस्टिस का। वो तो 7 दिन नहीं, 72 घंटे ही है भैया। ओके ओके, तो मतलब प्रिवेंटिव इसका 8 दिन पे ही दे दिया जाए, उसके बाद तो जब इसको लूज ड्रॉपिंग शुरू हो तो स्लाइड्स में चेक करवा के, तो हमारे लैब में चेक करवाओ आप एक बार जाओ, समझ गए बात, ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। और कोई क्वेश्चन बोलो भैया। सर ये क्वेश्चन था मेरे लसोटे वाला जी, कंप्लीट नहीं हुआ सर। सर इसका सर देने का सर टाइमिंग और सर इसको देने का सही तरीका क्या है सर? इसका जैसे लाइव लास्ट में छोटा होता है सर अपना भैया, इसको अगर आप शुरू में दे रहे हैं तो आप इसको आई ड्रॉप यूज करें। हेलो, ठीक है सर, ठीक है। और आप किस एरिया में हो सर? शाहबाद मारकंडा कुरुक्षेत्र। शाहबाद है तो हमारे लोग हैं और हमारा स्टाफ है। हाँ जी, हमारा वेंट्री बायोलॉजिकल्स वाले लोग हैं, आप उनकी हेल्प ले सकते हो। ठीक है सर, फार्मर ना सर, छोटे फार्मर है सर, वो सोचते हैं सर पानी में डाल दें। मेरी बात सुनो भैया, पानी में भी पिला सकते हो, लेकिन सबसे अच्छा तरीका है अगर आप आई ड्रॉप दोगे तो आपको फायदा रहेगा।
हाँ सर वो तो ठीक है सर, वही रहता है ना सर, जैसे वो पानी में पिलाते हैं ना तो सर उनको साउंड हो जाता है सर ठंडा पानी पिलाने की वजह से। हाँ तो आप आई ड्रॉप दे दीजिए, ठीक है। और बताओ। बस ठीक है सर, थैंक यू, यही था सर। ओके और सर मैं, बोलो भैया सर, मैं एक क्वेश्चन ले सकता हूँ क्या? प्लीज एक क्वेश्चन। हाँ बोलिए। सर मैं एक क्वेश्चन और ले सकता हूँ क्या प्रिंस? हाँ ले सकते हो भैया। सर जैसे बर्ड के अंदर कई बार कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाता है रेस्पिरेटरी, जैसे सर कोई भी रेस्पिरेटरी वायरल हो जाता है बर्ड के अंदर, तो उसके अंदर सर एंटीबायोटिक देने में बहुत ज्यादा परेशानी रहती है कि दें या ना दें, देने पे मोर्टैलिटी बढ़ जाती है, तो उसका क्या कारण रहता है सर कि कोई भी एंटीबायोटिक वायरल के दौरान नहीं दे सकते, या कुछ एंटीबायोटिक ऐसे हैं जो सेफ है जो हम वायरल कॉम्प्लिकेशन के दौरान यूज कर सकते हैं? आप सुन पा रहे हैं सर मुझे? मैं सुन पा रहा हूँ आपकी बात को, मैं समझ गया। तो पूरी जो इंडस्ट्री है ना, ब्रायलर इंडस्ट्री बिल्कुल बिखरी हुई है, और ब्रायलर इंडस्ट्री में सबसे बड़ी बात है प्रॉपर ज्ञान नहीं है, उसके कारण हमारी इतनी वेस्टेज है, इतनी वेस्टेज है। और मेरा जो फार्मर है कर्जे में ही रहता है, वो ज्यादा कमा नहीं पाता, और उसका कारण सिर्फ ये है, अगर वो ध्यान से बात को टेक्निकली समझेगा तो उसको ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अच्छे पैसे भी कमाते हैं इसी से, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो साल में एक फ्लॉक मुश्किल से ठीक से कमाते हैं। तो उन सब के कारण है जी, ठीक है। और ब्रायलर में क्या है, ब्रायलर में जैसे ये मंथ वाइज में आपको थोड़ा सिस्टम समझाता हूं। देखो जैसे जनवरी का महीना है, हाँ जी, तो जनवरी में क्या है, कड़क सर्दी रहती है अपनी, बर्ड दब के मरते हैं, फीड भी कम लेता है, पानी भी कम लेता है, वजन भी कम आता है, उसका कारण है क्योंकि हम टेम्परेचर नहीं बना पाते, जगह कम देते हैं, लीटर भी अच्छा नहीं होता, ठीक है जी। अब आप ये देखो, शुरू के अंदर हमने पर्दे टाइट करके रखे, पर्दे टाइट करके रखे तो हमने हवा नहीं दी उसको, हाँ जी, ठीक है, वहां अमोनिया पैदा हुई, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हुई, तो ठीक है। जब भी बर्ड वजन लेना शुरू करेगा 21 दिन के बाद, तो उसमें क्या है, लंग्स उससे काम नहीं कर रहे ठीक से, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिली शुरू में, ठीक है। तो क्या होगा, उसके बढ़ना शुरू हो जाएगा एसाइटिस का, जनवरी के महीने में ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रहता है। अब ये बताओ, ये जो प्रॉब्लम है क्या हम खुद नहीं बुलाते इस प्रॉब्लम को? अगर हमारे को इस बात का ज्ञान हो, हम सिंपली क्या करें, रसोई के अंदर अपना एग्जॉस्ट फैन इस तरह के दो फैन शेड में लगा दें तो हवा निकलती रहे, फ्रेश हवा आती रहे, ठीक है, थोड़ी जगह उसको खुली कर दें, दो बुखारी ज्यादा लगा दें, क्या ये मैनेजमेंट से हम ठीक नहीं कर सकते? प्रिंस जी क्या बताओ मुझे, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं सर, ठीक है ना। तो आपकी प्रॉब्लम कहां से, बिल्कुल कर सकते हैं सर, आपकी प्रॉब्लम शुरू होती है आपके अज्ञान से। जो बर्ड को चाहिए, अगर आप उसको पूरी चीजें दोगे तो आपको प्रॉब्लम कम से कम रहेगी। इसी तरह से क्या है, जैसे भरी गर्मी और भरी सर्दी, जैसे भरी गर्मी का महीना है, टेम्परेचर दिन में भी ज्यादा रात को भी ज्यादा, और उसमें क्या क्या बीमारियां, देखो आरडी रहेगी, मोरो रहेगी, आईबी रहेगी, सीआरडी रहेगी, कोराइजा रहेगा, फाउल कोलरा रहेगा, ओआरटी रहेगी, इतनी सारी बीमारियां और भी कुछ रह सकती है, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन है कि भी हमें टेम्परेचर को शेड के अंदर कम रखना, किसी भी तरीके से वो अपना तरीका अपनाओ, प्रॉपर उसको वैक्सीन करो। अगर आप भरी गर्मी और भरी सर्दी में एनडी और आईबी मल्टी मल्टी किल्ड यूज करोगे पहले 3-4 दिन पे, ठीक है, 3-5 दिन पे प्रॉपर वैक्सीन यूज करोगे तो आपकी ये प्रॉब्लम बिल्कुल कम आएगी। और ऐसा नहीं है कि आज आपने अब शुरू किया, जब लगातार आप 4 फ्लोक यूज करोगे ये सारे वैक्सीनेशन सेटअप, तब जाके आपकी प्रॉब्लम काबू में आएगी, क्योंकि काफी लंबे टाइम से आपने प्रॉपर वैक्सीन नहीं की। कोई भी वैक्सीन आप उठा के, कोई भी वैक्सीन डीलर के पास जाते हो, कहते गंबोरो देना, कुछ भी पकड़ा देता है, बसोटा देना, कुछ भी पकड़ा देता है। अरे क्वालिटी देखो भाई, वो चीज आपके लायक है कि नहीं है, उसको तो दो पैसे जिसमें बचने हैं वो आपको देगा। तो हमारी अवेयरनेस जरूरी है। अगर आप वेंट्री बायोलॉजिकल्स के वैक्सीन यूज करोगे
भैया 100% आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आने, पहले मैनेजमेंट को समझो, फिर एरिया में बीमारी क्या चल रही है उसको समझो, और फिर प्रॉपर वैक्सीनेशन शेड्यूल समझो। अगर आपने ये सारी चीजें की तो आपको मिनिमम प्रॉब्लम रहेगी। हेलो सर, इतनी बड़ी लिस्ट है बीमारियों की, ठीक है, और जो आपको बार बार प्रॉब्लम आ रही है उसका कारण है इम्यूनोसप्रेशन। इम्यूनोसप्रेशन में क्या है कि आप गंभोरों का वैक्सीन है, अगर आपने हॉट वैक्सीन गंभोरों का लगातार ही लगा रहे हो, आपको यही नहीं पता कौन सा हॉट है, कौन सा कैसा है, वायरस कैसा है उसमें, तो आप लंबे टाइम से लगाते आ रहे हैं, तो उसमें इम्यूनोसप्रेशन होगा। तो इम्यूनोसप्रेशन के क्या क्या कारण, जो बार बार बीमारी आ रही है वो इम्यूनोसप्रेशन के कारण है, चिक्स की क्वालिटी भी उसमें कारण है, चिक्स होगा अच्छी जगह से होगा तो आपको प्रॉब्लम कम रहेगी, अगर आपने उसकी माइक्रो एनवायरनमेंट पे ध्यान नहीं दिया। माइक्रो एनवायरनमेंट क्या है, प्रॉपर उसको टेम्परेचर, उसको रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है, वहीं कहीं गैस तो नहीं बन रही, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं है, उसको प्रॉपर ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, वहां एयर सर्कुलेशन पुअर तो नहीं है, ठीक है, थोड़ी चीजें। वो सबसे बड़ी बात क्या है, जहां साइक्लिक प्रॉब्लम है, आपने एक शेड को जैसे एक बार फ्लोक निकला, उस शेड को आपने खाली कितने दिन रखा, खाली रखने का मतलब क्या है कि आपने सफाई करके, जैसे कल चिक्स आएगा ये सोच के उतने दिन कितने दिन का गैप दिया, अगर आप 15 दिन के करीब पूरा सफाई करके और वो सारी बीट बाहर निकाल के अच्छी तरह बर्निंग, ठीक है, कास्टिक सोडा से धोना, सारी तरह से सफेदी मारना, सब तरह से किया हुआ है और 15 दिन आपने गैप रखा तो भी आपकी प्रॉब्लम काफी कुछ सॉल्व रहेगी। दूसरी बात क्या है कि जब कभी भी बहुत चिक्स का रेट तेज है, बीट का रेट तेज है, अरे साल में आप अपनी कैलकुलेशन कीजिए, आप छोटे फार्मर हैं, आप ये देखिए कि मेरे को 2 पैसे कब बच सकते हैं, जब बहुत तेज आपको लगता है चूजे का रेट बहुत तेज है, और क्या है साइकोलॉजी क्या है, एकदम से देखते हैं आज रेट है 40 रुपए, कहीं से पैसे लेके आएंगे, जब 5 रुपए में सब देने को तैयार थे वो कहेगा मेरे पास पैसे नहीं है, 40 रुपए होते हैं एकदम से लेके आता है, तो थोड़ा सा दिमाग से काम लो, बुद्धि से काम लो, इससे क्या फायदा होगा, जब आपका चिक्स भी आपको लगे कि अभी मेरा 60 रुपए में मैं तैयार हो जाएगा तो मेरे को लॉस कितना लग सकता है, कैलकुलेशन करो, जरूरी नहीं है सारा साल बढ़ डालो, आप कम फ्लोक डालो लेकिन कैलकुलेशन करके डालो, पूरी मैनेजमेंट के हिसाब से डालो और सोच समझ के काम करो, अगर आप समझ से काम करोगे तो आपको कभी भी लॉस नहीं होगा साल में, क्योंकि आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में मार्केट नहीं है, आपके हाथ में सिर्फ बर्ड को ठीक से पालना, अगर आपने बर्ड को ठीक से पाल लिया तो आपके लॉस कम से कम होंगे। मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ जिन लोगों को अवेयरनेस है, जो बात को समझते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ भाई कितने फ्लोक निकाले, वो कहते हैं 4 निकाल दिए, मैंने कहा क्या क्या कुछ हुआ, डॉक्टर साहब मेरे सारे बढ़िया निकल गए, 3 में मैंने पैसे कमाए, 1 मेरा बराबर रह गया। और मैं ज्यादा लोगों से बात करता हूँ जो लोगों को अवेयरनेस नहीं है, वो उल्टा कहते हैं कि 1 में बचा था और 3 में लॉस हो गया। उसका कारण क्या है, जैसे आपका कच्चा लीटर है, अगर आपका कच्चा है सारा शेड नीचे से, तो आप ये सोचो आप कोक्सी से कैसे बचोगे, आपके प्रॉब्लम जुलाई में अगस्त में हमेशा रहेगी, सितंबर में रहेगी, सर्दियों में सारी रहेगी, समझिए क्या मेरी बात, आपका ज्यादा फरवरी और मार्च का ये आपका फ्लोक ठीक से पड़ जाएगा, अक्टूबर बड़ा सितंबर अक्टूबर का पड़ जाएगा, और तो आप चक्कर में पड़े रहोगे हमेशा, तो इसलिए ये जरूरी है कि आप इन सारी चीजों को अच्छे से समझो। मैंने वैक्सीनेशन शेड्यूल दे रखा है, सब क्लिनिकल गंबोरो है, ये बहुत बड़ा कारण है इम्यूनोसप्रेशन का और कम वजन लेने का। सब क्लिनिकल गंबोरो कब आती है, जब आप बार बार एक ही वैक्सीन यूज कर रहे हैं, हॉट वैक्सीन, तो आप ये देखो आप वैक्सीन कैसे यूज कर रहे हैं, तो वैक्सीन हॉट वैक्सीन को ज्यादा 2 या 3 बार यूज करते हैं, और वो भी वहां यूज करते हैं जब आपके वहां प्रॉब्लम्स हो। दूसरी चीज क्या है, को ध्यान रखो पीक समर और पीक विंटर, पीक समर हमारे यहाँ होता है 20 अप्रैल से 30 जून तक, पीक विंटर होता है हमारे 30 दिसंबर से 10 फरवरी तक, तो हमें क्या करना है, ये शेड्यूल दे रखा है मैंने, B1 प्लस H120 1 से 3 दिन पे, ठीक है, आप आते हैं उसको आई ड्रॉप कर सकते हो,
स्टार्टिंग की वैक्सीन आप आई ड्रॉप कर सकते हो, उसके बाद एनडी प्लस आईवी मल्टी किल्ड या वेंट्री बायोलॉजिकल्स का 0.25 ml पर बर्ड, ठीक है, आप 3 से 5 दिन पे सबकट लगा सकते हो। और गंबोरो इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड, ये सिर्फ आप स्टैंडर्ड कहाँ देंगे, जब आपको लगता है कि आपके बर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई गंबोरो प्रॉब्लम नहीं है, तब आप स्टैंडर्ड देंगे। अगर आप ऑलरेडी प्लस दे रहे हैं तो आप 3 बार ही प्लस देंगे। फिर आप हेल्दी सीजन में, जैसे आपका फरवरी है, मार्च है, आप उसके अंदर क्या करोगे, इसको स्टैंडर्ड देंगे। उसी तरह से सितंबर अक्टूबर में आप इसको स्टैंडर्ड, ये नहीं है कि आप एक ही तरह की वैक्सीन लगाते चले चले। वैक्सीनेशन शेड्यूल दिया हुआ है तो आप इसको ध्यान से समझ सकते हैं। और उसको प्रिंस जी, मेरे ख्याल से आपको काफी बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो और कोई क्वेश्चन करो जी। हेलो, हाँ जी, हाँ सर, एक क्वेश्चन था। पहले तो सर एक बात है, मैं तो सर लास्ट 5-6 लॉट से आपका आईबी प्लस एनडी का कील कर रहा हूँ, उससे मेरा बहुत फायदा हुआ है। और सेकेंड थिंग से सर, मैं आप अभी X185 से फॉगिंग कर रहा हूँ, उससे भी मेरा ये आपका फायदा बहुत हुआ है। और मेरा आपका बायो सिक्योरिटी जो है तो ऑलमोस्ट मैं मेंटेन करने की प्रयास कर रहा हूँ, उसमें भी मेरा फायदा हुआ है। तो एक सर प्रॉब्लम होता है मेरे फार्म में, ये आपका मैं 12 दिन में जब आईबीटी प्लस करता हूँ, वो डायरेक्ट आई ड्रॉप करता हूँ, तो उसके बाद ये आपका 14-15 डेज या 16 डेज तक मेरा 1-2 बर्ड्स मरता है, वो ज़्यादा हेल्दी बर्ड्स वो मरता है। उसको मैं जब उसको जब पोस्टमार्टम मैं करता हूँ, उस टाइम मैं देखता हूँ उधर आपका बर्षा थोड़ा एनलार्ज हो गया है, तो इसका क्या रीज़न है। उसके बाद B904 जब मैं स्प्रे करता हूँ वो कम हो जाता है, मगर ये क्यों होता है, ये क्या इम्यूनियो सप्रेशन या और कुछ प्रॉब्लम है? और रीजन, आप इसको ध्यान से सुनो, जब कभी भी आपके ऐसे मोर्टेलिटी होते हैं, पहले तो आप ये चेक करो, बर्ड को खोल के देखो, ये देखो वो सबसे हेल्दी बर्ड है तो क्या वो मेल बर्ड है? मेल बर्ड ही है सर। मेल बर्ड है? हाँ, मेल बर्ड ही है। तो वो सडन डेथ सिंड्रोम के केसेस होते हैं, उसका बर्षा भी फुल थोड़ा लार्ज हो जाता है, उसमें कोई बात नहीं है। जो इसका ये पीरियड है उस टाइम ये बर्सल की डेवलपमेंट ही ज्यादा होती है। अगर आप और बर्ड के खोल के देखोगे, बर्षा मोटा होना अलग बात है और बर्षा इमरेजिक होना अलग बात है, उसका साइज धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। फिर उसके बाद तो आपका आपने बताया उसके हिसाब से ये SDS का प्रॉब्लम है। और इसके लिए क्या चाहिए आपको, हवा की सर्कुलेशन बढ़ानी चाहिए, जगह खुली रखनी चाहिए। और जो मीठा सोडा है, आप 150 ग्राम 1000 बर्ड को 3 दिन दीजिए, तो ये आपकी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। 1000 बर्ड्स के ऊपर? हाँ जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं वेस्ट बंगाल से बात कर रहा हूँ। नाम क्या है आपका? मैं इंद्रजीत बात कर रहा हूँ, वेस्ट बंगाल से इंद्रजीत बात कर रहा हूँ। ओके ओके, चलो नेक्स्ट। सर मानस सरकार जी का क्वेश्चन है, आईबीएच में ट्रीटमेंट क्या हुआ? आईबीएच का? यस सर। कहाँ से, कौन से एरिया से है? ये ईस्ट है सर, कलकत्ता से। ओके ओके, आपने इंटरनल के ये है सर। ओके ओके, देखो आईबीएच का ट्रीटमेंट है, सबसे पहली बात है हमें ये समझना है वास्तव में आईबीएच है क्या। सबसे पहले हमें सैंपल भेजने चाहिए, हमारा जो पीडीआरसी लैब्स है उसके अंदर सैंपल भेज के कंफर्म कर लें क्या वास्तव में वो आईबीएच के केसेस हैं, ठीक है। और इसके लिए जो प्रोग्राम है, आप 3 से 5 दिन पे आईबीएच किल्ड वैक्सीन या पहले दिन आईबीएच किल्ड वैक्सीन हमारा आता है, उसको आप यूज कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। सर बाकी तो ऐसे कुछ ये नहीं आए हैं, मोस्ट आपके अपने आईबीडी और सभी कवर किए हैं, बाकी ऐसे कुछ क्वेश्चंस नहीं है सर कोई। चलो बहुत अच्छी बात है, आप आईबीएच किल्ड वैक्सीन यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं ये बोलता हूँ आईबीएच के बारे में मिसकंसेप्शन ज्यादा है। वो सारी बार ऐसे हो रहा है कि टॉक्सिसिटी के केसेज होते हैं, उसको लोग कहते हैं कि ये आईबीएच के केसेज हैं,
तो मैं चाहता हूं कि पहले आप अपने सैंपल जब भी हो लैब वगैरह में चेक करवाएं प्रॉपर, ठीक है, और उसमें आपको हमारा पीडीआरसी पुणे लैब है वो आपको कंफर्म करके दे देंगे कि ये आईबीएच की वजह से। यस और किसी के क्वेश्चंस है इफ एनीवन वांट टू डिस्कस। हेलो अभी क्वेश्चन हो गए तो हम आगे चले क्या सर सभी का शशि सर क्या करेंगे हाँ जी नेक्स्ट टाइम करेंगे उसको ऑलमोस्ट अभी हाँ हाँ इसको अभी क्या है ना सर ऑलरेडी इट्स ऑलरेडी 1 o'clock अभी किसी के पास कोई क्वेरी नहीं है इसको सर डॉक्टर साहब इसको पार्ट वन को कंक्लूड करके आफ्टर नेक्स्ट वीक और 10 days पे एक ब्रायलर क्योंकि ये पूरा जो आपका सेशन है मेरे से लग रहा है कि तीन सेशन चाहिए होगा ठीक है सर तो पार्ट टू और पार्ट थ्री करके ब्रायलर का पूरा सेगमेंट खत्म करेंगे बिकॉज ऑल आर वेरी हाँ सारा सेगमेंट काफी इम्पोर्टेंट है ठीक है सर डॉक्टर साहब क्या आपका सजेशन है सर हाँ ठीक है हम मैं ऐसा ही सोच रहा हूँ क्योंकि वजह क्या है जब तक लोग इंटरेक्ट नहीं करेंगे उनकी प्रॉब्लम्स हैं हमें ये जरूरी है कि हमें अपना बताना ज्यादा हमें उनका ज्यादा सुन के और उनकी प्रॉब्लम्स के हिसाब से बात करना है तो मैं चाहता हूँ कि इसको क्योंकि पूरा अपना जितना एरिया है सभी को ब्रायलर कैसे पढ़ना है क्या करना है सारा मिसकंसेप्शन है और वो बेचारे बहुत लॉस उठा रहे हैं तो अपन चाहते हैं कि वो बात को समझें अगर उनको ये बातें समझ में आ गई तो उनकी 80-90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी राइट सर उनकी बेसिक खत्म हो जाएगी वो पढ़ना सीख जाएंगे सही बात है ठीक है सर ठीक है अभी जो है आपसे डिस्कस करके नेक्स्ट एक और टाइम फिक्स कर लेंगे जी सर नेक्स्ट मंडे को ही कर देते हैं कमिंग मंडे सर हाँ डिस्कस कर लेंगे सर प्लस और कोई और वेबिनार ना हो या कुछ हो एक दिन आगे पीछे करके ठीक है सर मैं चाहता हूँ कि भाई हम सारे इसको अच्छे से समझें ये कम से कम मेरे पास 55 स्लाइड्स हैं तो हम इसको सारे को एक एक को लेते चले जाएं और धीरे धीरे सबके माइंड में अच्छे से बैठ जाएं फिर इसको हम यूट्यूब पे डाल देंगे उसको आप बार बार सुनना समझना ठीक है जी थैंक यू सर ओके ऑल जो लोग आए हुए हैं पार्टिसिपेट किए हैं मेरी तरफ से एंट्री बायोलॉजिकल की तरफ से डॉक्टर रोहिला साहब की तरफ से और सब